थोड़ी सी क्रिकेट में बात करेंगे। अच्छा मैच चल रहा है आज, पिशावर ने, बाबर ने एक और हाफ सेंचुरी की, स्ट्राइक रेट 110 का ही रहा। रजाक भाई पिच मुश्किल है? हाँ थोड़ा सा टर्न हो रहा है, हाँ। और हो जाता है, क्वालिफाई कर चुके हैं, पर इम्पोर्टेंट मैच है उनके लिए भी, पिशावर के लिए भी जी, जी। और इसलिए तो क्रिकेट कहते हैं कि इसमें हर दिन एक जैसा नहीं होता। हाँ, और कभी सर्दी होती है, कभी गर्मी होती है, हर दिन एक जैसा नहीं होता, कहीं भी नहीं होता। दुनिया का ये उसूल है कि एक दिन दूसरे दिन जैसा नहीं होता, खामोश। हम लोग बातें कर रहे हैं बेटा। हाँ कायनात, कैसा देखती है आज पेशावर ने ओवरऑल एक स्लो इनिंग्स खेली, बिकॉज ऑफ द पिच या स्ट्रेटजी कुछ मुश्किल थी, क्या था? नहीं, बिकॉज ऑफ द पिच ऑफ कोर्स, थोड़ा सा पिच सही कह रहे हैं बिल्कुल के, थोड़ा सा डिफिकल्ट पिच है, लेकिन अगेन हैट्स ऑफ टू बाबर कि वो हर मैच में कंसिस्टेंटली 50 कर रहे हैं, हर मैच में स्कोर कर रहे हैं और इंडिविजुअली टीम को आगे लेकर जा रहे हैं। सो आई मीन उसे हैट्स ऑफ टू हिम के बाबर के लिए, बाबर लीडिंग बाय एग्जांपल। उस्मान भाई आपकी क्रिकेट पे गहरी नजर है, बाबर कंसिस्टेंटली स्कोर कर रहे हैं, सेंचुरीज बनाई हैं, हाफ सेंचुरीज बनाई हैं इन एवरी इन ऑल मैचेस ऑफ एक्चुअली, लेकिन आपको लगता है इंपैक्ट भी उतना ही कंसिस्टेंट है? इंपैक्ट डेफिनेटली इस तरह से है कि एक जो ओपनर प्लेटफॉर्म देता है कि एक मिनट थोड़ा सा आराम से इधर। अच्छा वो वहां से अच्छा अच्छा कोई बयान दे रहा हो तो आप फौरन उसकी आवाज काट दो। हां जी, तो वो ये है कि काफी प्लेटफॉर्म सेट करके दे रहा है हर दफा, कई दफा उसने एग्रेशन भी शो किया, बट आई स्टिल फील के अब एक और सौ बनता है बाबर, एक और सौ बनता है। फाइनल में मौजूद है, आगे बुरा टूर्नामेंट खुला हुआ है।